आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको C61 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे मोबाइल फोन का जो ब्लूटूथ होता है कई बार जो है दूसरे डिवाइस के साथ वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, यानी कि फोन को एक बार रिबूट कर लेना है। ठीक है, अगला काम ये करना है आपके मोबाइल फोन में ना फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ना एप्स का ये ऑप्शन टैप करना है, अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप पे टैप करना है। इस वाले पेज में आपको नीचे आकर ये एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है, इसके अगले पेज में आपको स्टोरेज पे टैप करना है। अब यहां पर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका पेज आता है, इसे ओके करना है। आपका कैच के सामने डेटा ये जीरो हो जाता है। अब आपको बैक पेज पे जाना है, अब इसके भी बैक पेज पे जाना है। तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सिलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा एक ब्लूटूथ का, ब्लूटूथ पे टैप करना है। इसके अंदर भी आपको स्टोरेज पे टैप करना है। अब यहां पर आपको नीचे क्लियर डेटा पे टैप करना है। यहां पर आपको इस पेज में ना क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपका क्लियर कैच के इस पेज में ओके करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, अगला काम ये करना है मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लेकर आएगा। सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन टैप करिए तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहां पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है, अगला काम ये करना है आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहां पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। इसमें सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। ठीक है, आपको नीचे ना फैक्ट्री रीसेट का ही ऑप्शन मिलता है, फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है ना, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक है,